अभी हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ नगर वन उद्यान सागर सुबह शाम आपने कभी नहीं देखी हो। अगर कुछ जानवर जंगली जानवर नुकसान करती है नजर आ गया मेरा भाई भाई ओ चचा भाई फोकस नहीं कर पा रहा है, गर्मी के मारे बेहाल हो चुके हैं। तो गाइस फाइनली वो हमारा आ चुका है जहाँ से ले लो पूती लौंडे के। देखो भाई कितना पसीना आ रहा है। आइए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हे गाइस कैसे हो आप सब, होप यू सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे शायद आपने देखा ही नहीं हो, सागर की बहुत ही मतलब अलग सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब सनलाइट इतनी सारी आ रही है शायद ही दिख रहा हो मेरा फेस, बट मैं बता दे रहा हूँ सागर हिल्स के नाम से जानते हैं लोग। तो देखते कैसा क्या रहता है, सारी चीज़ बताते हैं आपको। हम तीन लोग जा रहे हैं, इनका नाम करण है और ये मेरा दोस्त नीरज है और मेरा नाम तो जानते ही बकचोद। पर दिखाता हूँ मैं आपको बैक से कैसे दिख रहा है। जो दिख रहा है सामने आपको ये बड़ा बड़ा सा, ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है सबसे ऊपर पहाड़ पे ये झाड़ी, हम वहीं पे जाने वाले हैं। तो क्या क्या सीन रहने वाला है, कैसे हमारे साथ बकचोदी होने वाली है, वो सारी चीज़ आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। क्या ही वेदर हो रखा भाई, मतलब इस चीज़ का तो मैं फिदा हो गया, मतलब लोग इसलिए आए हैं आप। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे एंट्री करानी है। तो गाइस ये है वो रास्ता जहाँ से हम लोग पास होते हैं और इस तरह का गेट इन्हें जानवरों की सेफ्टी के लिए बना रखा है जिससे कि जानवर अंदर घुसे ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी जानवर अंदर घुस रखे हैं सामने देख ही रहे हो आपको। तो अभी यहाँ पे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सामने से सन आ रहा है, सनलाइट पड़ रही है, अभी इस साइड से पड़ रही थी इस चक्कर में। बाकी व्यू कुछ इस कदर है भाई क्या ही बताएं। भाई शुरुआत में जब घर से शुरू करा था मैंने उस चीज़ को इग्नोर करना, मैं मतलब इतना बड़ा ब्लॉगर भी नहीं हूँ, बस मेरी ब्लॉग बनाने का बस एक ही मोटिव है, मतलब एक ही वजह से ही बनाई है कि आप लोग कभी नहीं आए हो यहाँ पे घूमने और आप लोग जानना चाहते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो सागर से नहीं है या फिर वो सागर आना चाहते हैं या फिर इस जगह पे आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इस जगह को देखूं बिना जाए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। नगर वन उद्यान सागर सुबह शाम। सड़क नहीं है भाई, ये इस तरह का रोड इस वजह से बनाया है हमने कि जो ऊपर चढ़ेंगे मिट्टी का होगा तो फिसल जाएंगे लोग, इस वजह से अगर चाहे कितना भी पानी बरस जाए कुछ भी हो लेकिन वो लोग फिसलेंगे नहीं, इस वजह से ऐसा इन्हें रोड बना रखा है। भाई ये तो बंद है यार, हाथ से पकड़ने से अच्छा इससे अच्छा लग रहा है भाई ब्लॉग बनाने में। ये देखो ये लौंडे इस तरह का चिल मार रहे हैं भाई। भाई अभी अपन क्या करने आए यहाँ पे, लोग ना बिगड़े हुए नहीं रहते, वो इस तरह की बकचोदी नहीं करते, बस मेरे माहौल में आते हैं ना। चलो चलो माहौल मेरे मतलब मेरे कांटेक्ट में आते हैं ना लोग तो बकचोदी करने लगते हैं ऑटोमेटिक, पता नहीं उनके अंदर कौन सा भूत सवार हो जाता है, कौन सा कीड़ा आ जाता है। ये जा रहे हमारे नौजवान, चलो नौजवानों। अबे भैया चलने की बोली दौड़ने की नहीं बोली थी, जवानों पेंट उतारो, जवानों मुँह में ले लो मेरा, ये भाई मेरी भी ले लो, फोटो ले लो भाई गाड़ की नहीं। भाई यहाँ पे पता है कैमरे भी लग रखे हैं और यहाँ पे कुछ वैसे जानवर भी हैं डेंजर हार्मफुल वाले जो अपने लिए क्षति पहुँच सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाएंगे ना अपन तो अपने को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब वो वेरीफाई कराना पड़ेगा आधार कार्ड से कि मतलब हम लोग आए यहाँ पे, अगर हमको कुछ हो जाए और इतने टाइम आए थे और इतने टाइम जाएंगे, सारी चीज़ अपने को फिल करनी होती वहाँ पे। कैमरे कहाँ लगे ब्रो, ये भाई ये लकड़ी क्यों पड़ी है यहाँ पे, भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि भी हम लोग अभी और ऊंचे जाना है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे दिख रही थी ना, वहाँ पे चढ़ के हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा व्यू दिखता है। भाई मेरी तो सांस फूलने लगी भाई, ऊपर से सेल्फी स्टिक भाई इसके गिरने का इतना खतरा लग रहा है भाई, पत्थर है नीचे, वाह भाई क्या ही बताएं अब, ओह भाई मैं तो थक गया यार। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाके कुछ फोटो शूट करने वाले हैं और कुछ वीडियो ब्लॉग भी बना रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हो और भाई ये
मेरी तो गाड़ फट गई। तो गाइस फाइनली वो हमारा आ चुका है जहाँ से मैंने दिखाया था नीचे से आपको, तो वो आ चुकी है, दिखाते हैं आपको। वहाँ पे कुछ दोस्त भी हैं मेरे, तो दिखाते हैं। हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से कैसा सीन दिखता है। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ ले रहे हैं भैया, यहाँ पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए या की तरफ से आपको हेल्प मिले उस चक्कर में। बाकी अंदर घूमने के लिए भी है भाई, ऊपर चल रहे हैं क्या अपन? आदमी रेलिंग में बैठती है इसलिए बंद करा दी। रेलिंग मतलब लोग भैया ये क्यों करते हो, मतलब एंट्री क्या क्या मोटिव रहता है आपका, मतलब क्यों करते हो आप? अगर कुछ जानवर जंगली जानवर नुकसान कर दिया या बाई चांस कुछ हो गया तो जे कहने को लोग आए होते और जे रहेगी कि अपन अगर बाय चांस उसको कुछ हो गया तो अपन घर वालों को कवर कर सकते हैं। तो वन विभाग की तरफ से इससे हेल्प मिलती है? हाँ। नहीं। और इसमें जानवर कौन कौन से होंगे, मतलब आप कौन कौन से हैं? नील गाय हिरन वगैरह। हिरन भी हैं? नील गाय भी है। और चीता वगैरह ये कुछ नहीं है? नहीं, मोर वगैरह। दिन में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? समथिंग समथिंग 350 आदमी आ जाते हैं दिन का। एक दिन में 350? फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं, हम लोग को मैं अभी एक वीडियो शूट करने वाला हूँ, सॉन्ग वाली वीडियो। तो सॉन्ग वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ लोकेशन अच्छी हो जहाँ पे अच्छी से वीडियो शूट हो सके, और अच्छा लोकेशन है इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है सागर, और ये ऊंचाइयों पे मैं, और एक मंजिल और है इसके ऊपर, एक मतलब फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोग, और ऊंचाई पे जाने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दे रखी है। उनका कहना है यहाँ पे लोग आते हैं और मस्ती वगैरह करते हैं, कहीं कुछ हो जाए उल्टा सीधा, इस वजह से वो हम लोग को आने नहीं देते हैं। नहीं बजाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं इस वाली सब इस पूरी वीडियो लेके आऊं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां पर पूरी प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी फोटो शूट करने वाले थे ले लो पूरी ना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, और गाली वगैरह ज्यादा हो गई हो या फिर कुछ वैसा पार्ट लगा हो तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बस यही दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या पेड़ हैं। ज़्यादातर यहाँ पे सागौन के पेड़ हैं और कुछ वैसे बस जंगली जंगल है। आप बहुत दूर तक लंबे 4-5 किलोमीटर तक जाओगे तब भी आपको कुछ ऐसे ही माहौल से ही दिखने वाला है, कुछ खास नहीं है। कुछ वैसा पार्ट लगा हो तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। बाकी फिर अपनी सॉन्ग वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मतलब लोकेशन का हमने फाइनल कर लिया है, शूट करेंगे या नहीं करेंगे बाकी, और बताएंगे फिर फाइनल करने के बाद एक बार और आएंगे हम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।